Reporting of offences under the POCSO Act is mandatory, as we discussed and understood in the last video. हमने सेक्शन 19, 20 और 21 के बारे में बात की थी. But unfortunately, कई केसेस में ये ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ लोग बदले की भावना में आकर किसी को डिफेम करने या धमकाने के इरादे से इस कानून का सहारा लेकर गलत झूठी शिकायत कर देते हैं. यही वजह है कि हमें इस कानून की धारा 22 की जानकारी होना बहुत जरूरी है. POCSO एक्ट का सेक्शन 22 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के विरुद्ध जानबूझकर उसे फंसाने के इरादे से मिथ्या सूचना देता है, यानी मलिशियस इंटेंशन के साथ किसी के अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशन लगाता है, तो फॉल्स इंफॉर्मेशन देने वाले व्यक्ति को पनिश किया जाएगा और इसके लिए उसे जुर्माने के साथ साथ 6 महीने की जेल भी हो सकती है. सेक्शन 22 में एक एक्सेप्शन या अपवाद ये दिया गया है कि अगर कोई बच्चा किसी के अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशन लगाता है तो इस वजह से उस बच्चे को कोई सजा नहीं होगी. इसका कारण ये है कि कई बार ये देखा गया है कि बच्चे किसी अनफेवरेबल या एक्सप्लॉइटेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए या किसी के डर, दबाव और बहकावे में आकर किसी के अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशंस लगा देते हैं, पर उनमें इतनी सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं होती है कि वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ पाए. इसलिए इस सेक्शन में ये क्लियर कर दिया गया है कि सिर्फ फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने के कारण बच्चे के अगेंस्ट कोई कार्यवाही नहीं होगी. नो पनिशमेंट विल बी इन्फ्लिक्टेड ऑन दैट चाइल्ड. सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस सेक्शन में कही गई है वो ये है कि अगर कोई एडल्ट किसी बच्चे के अगेंस्ट ये चार्जेस लगाता है कि उस बच्चे ने किसी और बच्चे को सेक्सुअली हैरेस किया है, और अगर इन्वेस्टिगेशन में ये पाया जाता है कि ये एलिगेशंस झूठे हैं, तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने वाले उस एडल्ट व्यक्ति को पनिश किया जाएगा और इसके लिए उसे जुर्माने के साथ 1 साल तक की जेल हो सकती है. The fact of the matter is कि POCSO Act एक बहुत ही stringent और special law है, और इसके under cover होने वाले cases को बहुत sensible होकर sensitivity के साथ handle करने की जरूरत है. आप चाहे doctor हो, वकील हो, teacher हो या social worker हो, आपको POCSO Act के provisions की जानकारी होनी चाहिए. I will cover main provisions of this Act in the coming videos. Thank you for watching and spread the awareness.